मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक स्थित नाला रोड और नारायण शाह लेन में रविवार की रात दो गुटों में मारपीट के बाद हवाई फायरिंग हुई। एक पक्ष से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना डायल 112 की पुलिस को दी। फायरिंग की सूचना पर नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी फायरिंग करने वालों के संबंध में नहीं बताया। पुलिस ने मौके से दो खोखा बरामद किया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दो युवक नाला रोड बालूघाट निवासी चिकन कारोबारी मनोज चौधरी के घर पर चढ़कर दहशत फैलाने के नियत से फायरिंग कर रहे, जिसमें उनका बेटा शुभम कुमार और परिवार बाल बाल बच गया। मनोज चौधरी के घर पर फायरिंग करने के बाद अपराधियों ने नारायण कॉलोनी में फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। फायरिंग की घटना में शुभम नारायण घर में स्थित दुकान के शटर में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि आपसी वर्चस्व और दबाव दिखाने को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है। नगर थानेदार शरद कुमार ने बताया कि छानबीन की जा रही है। कुछ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन मिला है। घटना की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, पर सही से अपराधी की पहचान नहीं हो पा रही है। मौके से दो खोखा भी बरामद किया गया है। मामला आया है, अच्छी तरह से छानबीन कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम भी उन्होंने एफआईआर करने के लिए आवेदन डाला है। उसकी तहकीकात हम लोगों ने की है, लेकिन अभी और उसमें करने की आवश्यकता है, तभी हम लोग जो है सही जगह पहुंच पाए हैं कि वास्तव में कौन इन्वॉल्व है। सीसीटीवी फुटेज भी लिया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से अभी उतना स्पष्ट नहीं आ रहा, किसी का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है। और दूसरी बात है कि जो दोनों पक्ष के बीच ऐसा है कि कोई अननोन व्यक्ति नहीं, कंप्लेनेंट और जो एक्यूज्ड हैं वो दोनों एक दूसरे को पूर्व से जानते हैं, दोनों से भली भांति दोनों परिचित हैं। कुछ उन लोगों के बीच का ग्रीवांसेस है, उसको हम लोग देख रहे हैं, उनकी शिकायत है, उसको हम लोग जांच कर रहे हैं। जो सत्य पाया जाएगा वो काम करेंगे, जो भी इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग पकड़ के जेल भेजेंगे और न्याय होगा। खोखा हमको लगता है दो मिला है, नहीं अरेस्टिंग नहीं हुआ है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हम लोग लाए हुए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन उसकी सत्यता जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में खुलने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता वाटर पार्क। जी हां, एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट का शुभारंभ। यहां आप विभिन्न स्लाइड्स के साथ कर सकेंगे भरपूर मौज मस्ती। तो देर किस बात की, चले आइए एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। हमारा पता है एक्वा सिटी वाटर पार्क तिवारी ढावा के पीछे, मझौली बुधनगरा बोछा, मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 27 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अनुष्का, तो आज हम आ गए एशियन पेंट शोरूम जो कि रामा हार्डवेयर का ही एक यूनिट है, जो कि नॉर्थ बिहार का पहला और पूरे बिहार का बिगेस्ट शोरूम है। आपके घर को शानदार बनाने के लिए पेंट, टेक्सचर, वॉलपेपर और कई फिनिशिंग सर्विसेज से भी डील करते हैं। यहाँ पे कलर कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने रूम एंड घर की कलर कॉम्बिनेशन लाइव चेक कर सकते हैं। आपके पसंद के सारे वॉलपेपर्स जिसमें 3 साल और पेंट में 15 साल की वारंटी भी मिलती है। वॉल फिनिशिंग के साथ साथ वुड पॉलिश की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे तो इन सब कामों के लिए कंपनी के किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं। आप भी सजाएं अपने घर के दरो दीवार एशियन पेंट के साथ। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, जिसमें एशियन पेंट के सिलेक्टेड आइटम्स के 20 लीटर्स पैक पे आप आईफोन, कार, एसी तक जीत सकते हैं। अरे रुकिए रुकिए, स्टोर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको पार्क एवेन्यू का 7-in-1 ग्रूमिंग किट भी फ्री मिलता है, जिसकी लोकेशन है जवाहरलाल रोड ऑपोजिट ऑफ रामा हार्डवेयर मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।